बाप रे बाप रे, देखिए गाड़ी नाले में गिरते हुए। ये देखिए दोस्तों, पार करके जा रहे हैं दूसरी साइड से, क्योंकि वहाँ पे फ्लो के साथ बहुत पानी है। देखिए दोस्तों, गाड़ी निकल के आ रही है, आप देख सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं सामने जस्ट रोड किनारे स्पॉटेड डियर। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग, स्वागत है आपका नए ब्लॉग में। दोस्तों अभी हम अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क सुंदरखाल विलेज से, और अभी हम जाएंगे जीरो पॉइंट तक। तो रास्ते में जो भी वाइल्ड लाइफ मिलेगी वो भी आपको दिखाएंगे। दोस्तों यहाँ पर बारिश हुई थी बहुत ज़ोरदार, जगह जगह पानी और जाम है, वो भी आपको हम दिखाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों को टाइगर टेरिटरी है, यहीं से टाइगर निकल के आता है दूसरी साइड, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और हम पहुँचने वाले हैं बहुत जल्दी धनगढ़ी गेट के पास। ये हाथी ने तोड़ा है, परसों हाथी आए थे। ये देखिए यहाँ पर परसों हाथी आया था दोस्तों, ये पूरा तहस नहस कर दिया साइन बोर्ड, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और दोनों तरफ बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हैं। सामने है दोस्तों जिम कॉर्बेट म्यूजियम, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। इसकी टाइमिंग है सुबह 10 से 5, अभी फ़िलहाल ये बंद है। ये देखिए आप, बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं हम धनगढ़ी नाले के पास। दोस्तों रोड किनारे आप देख सकते हैं कितने सारे मंकी हैं यहाँ पर। ये देखिए आप, सावधान, आगे दुर्घटना क्षेत्र है, आगे पानी का लेवल। ये देखो, ये बड़ी गलती है इस जगह पे। ये देखिए दोस्तों, ऐसे वेस्ट जो फेंकी जाती है उसका रिएक्शन नहीं है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं सामने एक मंकी पोलिथीन खाते हुए, ये बहुत बड़ी गलती है दोस्तों टूरिस्टों की। ऐसा रास्ते में कहीं भी कोई खाने की चीज़ नहीं फेंकनी चाहिए, इससे दोस्तों बीमारी पड़ सकते हैं। ऐसी गलती आप कभी भी ना करें। ये देखिए आप, इतने फ्लो के साथ यहाँ पर पानी आ रहा है दोस्तों। सामने कंटिन्यू यहाँ पर गाड़ियाँ जा रही हैं। ये देखिए आप, आप देख सकते हैं कितने फलों के साथ यहाँ पानी है दोस्तों। अभी हम हैं धनगढ़ी गेट के पास, जो रपटा है यहाँ तेज़ी के साथ पानी हो रहा है। और सामने दोस्तों मौसम हो रहा है बिल्कुल बारिश का पहाड़ों पर, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर काम चल रहा है पुल बनने का, जो कि बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाएगा, फिर उसके बाद ऊपर जाना पड़ेगा दोस्तों। जैसे कि यहाँ पर पार्टीशन बने हुए जगह जगह आप देख सकते हैं, और बीच रास्ते में गाड़ियाँ रुकी हुई हैं कंटिन्यू। कुछ बाइक वाले रुककर अपनी गाड़ी वॉश कर रहे हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और वहाँ से कंटिन्यू पानी आ रहा है ज़ोरदार, और फिर जा रहा है रिवर साइड, आप देख सकते हैं। अभी दोस्तों ये पानी में गाड़ी गिर चुकी थी जो सामने खड़ी है, आप देख सकते हैं। और गाड़ी वाले बैठे इधर, जैसे कि आप देख रहे हैं। और अब हम भी वापस चलते हैं, क्योंकि यहाँ पानी का फ्लो धीरे धीरे बढ़ रहा है। देखिए दोस्तों, गाड़ी निकल के आ रही है, आप देख सकते हैं कितने फ्लो के साथ पानी में आ रही है गाड़ी। पार करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे मनोजदा, देखते हैं गाड़ी पार होती नहीं होती। स्विफ्ट डिजायर गाड़ी आ रही है सामने से, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए आप, कितने फिलों के साथ यहाँ पानी है। ये देखिए दोस्तों, निकल चुकी है वो गाड़ी बाइक, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे मनोजदा ने बाइक निकाल दी है। अरे बाप रे बाप रे, देखिए गाड़ी नाले में गिरते हुए। ऐसी जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें दोस्तों, नाले के बिल्कुल जस्ट कोने पर फिलहाल इनकी गाड़ी निकल चुकी है। इस तरह की गलती आप बिल्कुल ना करें। ये रास्ता पार करके जा रहे हैं दूसरी साइड से, क्योंकि वहाँ पे फ्लो के साथ बहुत पानी है, आप देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, जिनकी बाइक थी वो दूसरे रास्ते से निकलते हुए। अभी हमने इनको समझाया था कि थोड़ा पानी फ्लो कम होने दो पानी का,
फिर जाना बाद में। ये देखिए एक एल्टो कार आगे तरफ जाते हुए। देखिए दोस्तों ये गाड़ी जा रही है सामने और बीच में रुक चुकी थी क्योंकि पानी का फ्लो बहुत तेज़ है। और अब हम भी निकलते हैं वापस क्योंकि अब हमारी हिम्मत नहीं हो रही आगे जाने की 0 पॉइंट तक। तो वापस चलते हैं दोस्तों और रास्ते में जो भी एक्टिविटी मिलेगी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों मंकी बिल्कुल मस्ती के मूड में है और दिखा रहा है मैं हुडकी, आप देख सकते हैं सामने। अब चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ। जैसे कि आप देख सकते हैं दोनों तरफ दोस्तों को टाइगर टैटी है। दोस्तों ये क्षेत्र जो कहलाता है हाथी बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ पर कल रात हाथियों ने काफ़ी नुकसान पहुँचाया है, जैसे कि साइन बोर्ड तोड़ दिए और इलेक्ट्रिक फैंसी के कुछ खंभे हैं वो भी तोड़ दिए जगह जगह। आप देख सकते हैं सामने को टाइगर टैटी है दोस्तों, और बाकी कुछ वाइल्ड लाइफ के दीदार होते तो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। आप बन रहे हैं हमारे साथ, कभी भी और किसी वक्त भी माहौल बन सकता है दोस्तों। और घासें बड़ी होने के कारण वाइल्ड लाइफ बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही है क्योंकि घासें बड़ी हो चुकी हैं बहुत ज़्यादा, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों। आगे की तरफ हैं जंगली सुअर जो चले गए हैं अभी अंदर की तरफ, जैसे कि आपको हलचल दिखाई दे रही होगी थोड़ी थोड़ी। यहाँ पर दोस्तों एक ही फ्रेम में दो जंगली सुअर थे जो कि अभी जा चुके हैं अंदर जंगल की ओर। दोस्तों यही वो जगह है जहाँ पर हमें दिखाई दिए थे सामर डियर काफ़ी सारी संख्या में, आप देख सकते हैं सामने। और यहाँ पर बहुत फ्लो के साथ पानी आया और बीच रास्ते में जमा हो चुका है मलबा, आप देख सकते हैं बड़े बड़े पत्थर हैं दोस्तों। दोस्तों हमें यहाँ पे दिखाई दिया सामर डियर, देखिए आप देख सकते हैं अभी फ़िलहाल एक ही है और ये सामर डियर फीमेल है जैसे कि आप देख सकते हैं सामने, हम काफ़ी दूरी पर हैं उनसे। ये देखिए दोस्तों आप सामने देख सकते हैं सामर डियर जस्ट रोड किनारे, काफ़ी लवली मोमेंट है दोस्तों। दोस्तों एक ही फ्रेम में दो दो सामर डियर आप देख सकते हैं सामने, ये देखिए आप बहुत लवली मोमेंट है दोस्तों। और अभी हम चलते हैं आगे की तरफ, कई और वाइल्ड लाइफ के मोमेंट मिलते हैं तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं सामने जस्ट रोड किनारे स्पॉटेड डियर, एक ही फ्रेम में 3 से 4 संख्या में स्पॉटेड डियर, देखिए दोस्तों दो इधर हैं और दो इधर हैं आप देख सकते हैं। और को टाइगर टैटी में दोस्तों इस तरीके से लोग खड़े होते हैं, ये देखिए आप। आप देख सकते हैं दोस्तों हरी भरी घास खाते हुए स्पॉटेड डियर। अब व्यू चेक करिए, व्यू बहुत अल्टीमेट है। शाम के वक्त दोस्तों ऐसी वाइल्ड लाइफ के आपको दीदार होते रहेंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं रोड जस्ट रोड किनारे एक ही फ्रेम में 4-4 स्पॉटेड डियर। दोस्तों आप देख सकते हैं जगह जगह फिसलन होने के कारण बाइक रपट रही है आने जाने वालों की। दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं सामने की तरफ लोग जा रहे हैं, अभी उनकी बाइक गिरते गिरते बची और उनके चोट लगते लगते बची दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं सामने फिसलन बहुत ज़्यादा है, जगह जगह मलबा जगह जगह गारा हो रखा है दोस्तों बड़े प्रोन नाले पर। देखिए दोस्तों सामने गोल्डन जैकल है, आप देख सकते हैं सामने दोस्तों टाइगर टैटी में घूमता गोल्डन जैकल आप देख सकते हैं सामने, और बड़े बड़े पत्थरों के बीच में। अब ये सोच रहा है कि मैं किधर साइड जाऊं क्योंकि तो बारिश का मौसम है और जगह जगह पानी भरा हुआ है दोस्तों। फिलहाल वो आराम करने के लिए बैठ गया है पत्थरों के बीच में, आप देख पा रहे होंगे। चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ।
दोस्तों हम निकल चुके हैं फाइनली बाहर की तरफ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मलबा था और ड्राइव कर रहे हैं हमारे नंदू भाई। मैं आपको दिखाने का प्रयास देखिए आप मजा आया बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप ड्राइव ना करते तो हमारी गाड़ी बिल्कुल ही निकलती। बहुत ही खतरनाक गारा हो रहा है, बैलेंस बनाना ना काफ़ी टफ हो रहा है अभी। इसको एक्सपीरियंस यहाँ पहाड़ों का, क्योंकि आप यहाँ के निवासी हैं। बहुत अच्छा लगा आपके साथ सफ़र करते हुए नंदू जी। चलो अच्छा है कि आपका कंटेंट कंप्लीट कर पा रहा हूँ मैं ड्राइव करने के साथ साथ। थैंक यू सो मच। चलो जी दोस्तों इस ब्लॉग को मैं एंड करता हूँ। और आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो इस ब्लॉग को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।